फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो आज मैं आया हूं आपके लिए क्लास नाइन्थ का डॉक्टर मनोहर रे की किताब से एक्सरसाइज 2B। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया है वो 2A का है। अगर नहीं देखा है तो इससे पहले उसको देखें क्योंकि वही है बेस, उसके बाद आगे हम लोग ये सीखेंगे। तो पहले से शुरू करते हैं, एक से लेकर पूरा अभ्यास देखेंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा तो अभ्यास को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद बताइए। घात 2 का बहुपद, तो घात का मतलब क्या होता है पहले ये आप समझ जाइए। घात मतलब होता है किसी बहुपद की अधिकतम घात। अधिकतम घात को ही हम लोग घात बोलते हैं। यानी कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें अगर कोई तुमसे कहे कि बताइए कि इसकी घात कितनी है, तो आपको घात तो इसमें 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है और x की घात 0 भी है, जैसा कि कल हमने सिखाया है आपको। तो यहाँ पर याद रखना है कि घात का मतलब होता है अधिकतम। तो आप बताइए किसी चर की अधिकतम घात कितनी है। चर की अधिकतम घात है 5। चर की अधिकतम घात है 5, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे, पहले बहुविकल्पी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हम लोग उसमें ढूंढेंगे कौन सा घात 2 का बहुपद है। तो पहला ऑप्शन है 4x + 1/4x, दूसरा ऑप्शन है √x + 8x - 4, तीसरा ऑप्शन है 3x² + 4x + 7 और चौथा ऑप्शन है 5x³ + 3x² + 3x + 7। तो अब ये 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, अब आप बताइए कि इसमें कौन सा घात 2 का बहुपद है। तो देखिए पहली बात तो ये बहुपद ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x बटे में है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है। नहीं देखा तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर x बटे में इसलिए बहुपद ही नहीं है। घात 2 तो छोड़ ही दीजिए, बहुपद ही नहीं है। यहाँ पर x रूट के अंदर लिखा हुआ है तो ये भी बहुपद ही नहीं है, तो घात 2 की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये घात 3 का बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात यहाँ 3 लगी हुई है, यहाँ अधिकतम घात 2 लगी हुई है, इसलिए घात 2 का बहुपद हो गया और ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है बहुपद x³ + 3x + x⁵ + 7 बताइए। तो इसकी घात बतानी है, इसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ अभी आपको सिखा दिया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें, जो भी देख रहे हैं वीडियो को कमेंट कर दें, कमेंट करके और हमको बताएं, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। इसलिए कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है px = 4x² + 8x + 5 और एक दूसरा बहुपद है जिसको हम लोग बोल रहे हैं qx = 0। तो कह रहा है कि px (qx)=, यानी px (qx) की वैल्यू बतानी है। px(qx) की वैल्यू बतानी है तो हमको मालूम है कि अगर कभी भी दो बहुपदों की गुणा हो या दो संख्याओं की गुणा हो और जिसमें से एक संख्या 0 है, निश्चित रूप से 0 से टकराओगे, 0 बन जाओगे। गाना याद कर लीजिए, 0 से टकराओगे, 0 बन जाओगे। तो गुणा हो रही है, जैसे गुणा हुई तो आंसर आ गया 0। कुछ सीखने की जरूरत नहीं है इसमें, ये सब आपको आता है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कर लीजिए और काम हो जाएगा, पूरे में पूरे नंबर आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको जिसको लिखना है वो लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा बहुपद 9x + 1 की घात बताइए। तो 9x + 1, यहाँ पर चर है हमारे पास x और यहाँ पर x की घात है 1 और यहाँ पर मैंने बताया था x की घात है 0, तो इसकी अधिकतम घात है कितनी, 1। तो आंसर आ जाएगा 1। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है। पांचवा क्वेश्चन है बहुपद x 5x⁵ + 3x
घात बताइए, फिर से घात पूछ रहा है। और घात का मतलब होता है अधिकतम घात, इस बात को याद कर लीजिए, घात का मतलब अधिकतम घात होता है। और यहाँ पर हमसे घात पूछ रहा है इसकी, तो पांच बता देंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, पांच बता देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अभी सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, एक्स के अंदर गुणा कर देंगे तो पांच एक्स की घात छ प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, पांच एक्स की घात छ प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, कैसे हुआ है, एक्स के अंदर गुणा हो गई इससे भी और एक्स गुणा हो गई इससे भी, तो अब यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ गई है, छ, तो इसका आंसर आ गया छ। जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आपको मिलेगा, नाइन्थ का पेपर बनता है, टीचर ये क्वेश्चन जरूर देता है जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित एक बहुविकल्पी में आपको मिलेगा। तो लिखा हुआ है बहुपद, बहुपद दस, ये एक बहुपद दे रखा है तुमको और कह रहा है इस बहुपद की घात बताइए। और मैं कल से सिर्फ आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ, बार बार चिल्ला रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि कभी भी आपको अचर संख्या मिल जाए उसके साथ में एक्स नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब एक्स की घात यहाँ पर कितनी है, जीरो। एक्स की घात कितनी है, जीरो। और एक्स की घात जीरो का मान एक होता है और दस एकम दस, इसीलिए केवल ये दस लिखा हुआ है, समझ में आई बात, इसलिए इसकी घात हो गई जीरो। याद रखिएगा इस बात को, भूलना नहीं है, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुविकल्पी में आपको पेपर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सात और आठ, ये भी दोनों एक उच्च कोटि के क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी के रूप में कैसे भी टीचर आपसे पूछ सकता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। एक बहुपद है जिसकी घात दस है, यही बात बच्चे समझ नहीं पाते हैं, एक बहुपद है पी एक्स जिसकी घात ये क्या है, दस, क्या है, दस है घात। और उसके बाद दूसरा पार्ट है इसी में कि एक दूसरा बहुपद है क्यू एक्स, एक दूसरा बहुपद है क्यू एक्स जिसकी घात कितनी है, घात है पैंतीस, घात है पैंतीस। ये पैंतीस जो है ना, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद की घात है, यानी उस बहुपद में अधिकतम घात जो लगी होगी वो पैंतीस लगी होगी, और इसमें जो इस बहुपद में जो अधिकतम घात लगी होगी वो कितनी लगी होगी, दस लगी होगी। तो अब कह रहा है बताइए पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू एक्स की घात, इसकी घात बताइए, इसकी क्या बताइए, घात बताइए। तो एक बात आप खुद मुझको बताइए कि क्या जोड़ने पर घातों पर कोई प्रभाव होता है, यदि दो बहुपदों को हम आपस में जोड़ते हैं तो घातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात याद कर लीजिए, रट लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो हो सके वो करिए, इस बात को समझ लीजिए। जब भी दो बहुपदों को जोड़ते या घटाते हैं तो समान चर आपस में जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं, लेकिन घातों पर कोई प्रभाव नहीं डालते। तो जब चाहे इसकी घात 10 हो, चाहे इसकी घात 35 हो, घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसकी घात वही होगी जो दोनों में बड़ी है, कौन सी बड़ी है, 35 बड़ी है, इसलिए आंसर 35 हो जाएगा। जोड़ने पर घातों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बहुपद जुड़कर उतना ही घात बनाएंगे जितना पहले घात उनकी थी, समझ गए ना बात को। इसका अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो आठवां क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है कि px बराबर तीन घात और qx बराबर पांच घात, यानी एक बहुपद हमारे पास px है जिसकी घात है तीन और एक बहुपद qx है जिसकी घात है पांच, और हमसे अब पूछ रहा है कि px इंटू qx की घात बताइए, क्या बताइए, घात, px इंटू qx की घात बतानी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, गुणा नहीं करनी है, हमको सिर्फ घात दी गई थी, एक बहुपद है जिसकी घात है तीन, दूसरा बहुपद है जिसकी घात है पांच, और अब कह रहा है दोनों बहुपदों की अगर हम गुणा कर दें तो घात कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, गुणे में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं, गुणे में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं, जोड़ घटाने में घातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को कहीं लिख लीजिए। तो अब जब गुणा हो रही है तो यहाँ घात है तीन, यहाँ घात है पांच, और गुणे में घाते जुड़ती हैं, तीन पांच आठ, तो आंसर आ जाएगा आठ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
प्रश्न आप हम लोग चलेंगे अतिलघुतरी प्रश्न में। नवे क्वेश्चन में कुछ 8 पार्ट दिए गए हैं और जिनकी हमसे घात पूछ रहा है, तो काहे को दुखी कर रहे हो और दुखी हो रहे हो, कितने आसान क्वेश्चन हैं, आप अपने आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं कुछ कुछ हिंट देता चलता हूं ताकि जो भी लोग थोड़े से कमजोर हैं वो भी सीखते चले। तो पहला, 9 इन सबकी घात पूछ रहा है, और घात के लिए अभी मैंने एक चीज आपको सिखा दी, घात का मतलब आप लोग अपने मन में बोल दो, मैंने बोला आप लोग बोल दो। दूसरा है 3, तीसरा क्वेश्चन है 0, चौथा है 2x+5, पांचवा है 2x2+4x+5, छठा है x+3x+4, सातवां है 2x x2+9, और नवा है x³+2x²+4x/x। 8 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। आपको मालूम है कि जब भी कोई अचर पद होता है तो उसमें x की घात 0 होती है, तो इसकी घात 0, इसकी घात भी 0, इसकी घात भी 0, इसकी घात 1, मालूम है ना, चर की अधिकतम घात 1, इसकी अधिकतम घात 2। यहां पर 1 लिख देंगे अगर तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करना है, पहले इनकी गुणा करेंगे। तो गुणा सिखानी है नहीं सिखानी है? चलो सिखाते हैं। पहले x उठाएंगे, पूरे से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के x से गुणा होंगी तो x² + 4x + 3x, अब इस 3 की 4 से होगी 12, तो हो जाएगा x², दोनों जुड़ जाएंगे 7x + 12। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है आप खुद बता दीजिए, अधिकतम घात है 2, अधिकतम घात है इसकी 2। अब क्या करें, इस पार्ट की डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, पहले इतनी गुणा करेंगे तो 2x की x² से गुणा होगी तो 2x³+18x, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 3। जितनी घात अधिकतम होती है वही उसका आंसर होता है। यहां पर क्या करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, पहले सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x² + 2x + 4/x कट जाएगा तो आ जाएगा x² + 2x + 4, और इसकी घात है कितनी 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो नोट करना चाहे वो नोट कर लें। नेक्स्ट है 10वां पार्ट। 10वां पार्ट है योग और घात का, योग का और घात का, यानी आपको बहुपद दिए जाएंगे और उनको जोड़ना होगा। 2 बहुपद, 3 बहुपद, 4 बहुपद, 10 बहुपद, 20 बहुपद, कितने भी बहुपद दिए जा सकते हैं, उनको आपस में जोड़ना होगा। तो आपको मालूम है सजाती पद जुड़ जाते हैं और विजाती पद ऐसे ही लिख दिए जाते हैं, जिनकी जात समान होती है उनको जोड़ दिया जाता है, और जो जात समान नहीं होती जिनकी, वो ऐसे लिख दिए जाते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है (3y²-7y+5) और दूसरा बहुपद है (6y³+5y-7)। क्या करना है, योग करना है। यहां पर प्लस नहीं लगा हुआ है, यहां पर लिख कर दे रखा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहले दोनों बहुपदों को एक ब्रैकेट में बंद करके दोनों को जोड़ेंगे। कैसे, 3y² - 7y+5+, समझ गए ना, यही है बेस, ऐसे ही सीखेंगे। 6y³+5y-7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, खोल दो ब्रैकेट को, 3y² - 7y+5+6y³
प्लस 5y माइनस का 7। ठीक है, अब देखेंगे सबसे बड़ी घात से उठाएंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे, बड़ी घात से लेकर लेकर चलेंगे और छोटे की तरफ चलेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी पद छूट ना पाए। तो सबसे पहले बड़ी घात है 3, 3 का कोई साथी है? y की घात 3 का कोई भी साथी है? नहीं है, तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे 6y³। फिर 3 से छोटी घात है 2, और 2 का कोई साथी है? नहीं, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे लेकिन चिन्ह के साथ में 3y². अब आ जाते हैं घात 1 पर, तो घात है 1 यहाँ पर और घात है 1 यहाँ पर, ये है माइनस का 7, ये है प्लस का 5, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, घातों को मत जोड़ देना, अभी मैंने सिखाया था गुणे में और भाग में घातों पर प्रभाव पड़ता है, जोड़ घटानों में घातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ पद देखते हैं। और यह है 5 माइनस 7, तो माइनस का 2, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से योग करेंगे, आगे भी पार्ट है इसके जो मैं बताऊंगा, और देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। दूसरे पार्ट में px 3x² प्लस 5x माइनस 2, qx है माइनस 3x² माइनस का 5x प्लस 6। ये दो बहुपद हैं, इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला काम है कि हम इन बहुपदों को क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखकर। अब हमको चाहिए px प्लस qx, तो सबसे पहला काम है इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हमको जोड़ना है। तो 3x² प्लस का 5x माइनस का 2, ठीक है, प्लस इसको ऐसे उतार देंगे माइनस का 3x² माइनस का 5x प्लस का 6, ब्रैकेट को खोल देंगे। सबसे पहला काम है ब्रैकेट को खोल देना है, तो 3x² प्लस का 5x माइनस 2 माइनस का 3x² माइनस का 5x प्लस का 6। अब क्या करना है, जिनके जात समान है, जिनकी चरों की घात समान है, उनको देखते हैं। सबसे बड़ी घात उठाते हैं, सबसे बड़ी घात कट तो नहीं रहा, जरा देख लेते हैं। सबसे बड़ी घात उठाएंगे तो सबसे बड़ी घात कितनी लग रही है, 2 लग रही है, आ जाएगा क्वेश्चन इसमें में। सबसे बड़ी घात लग रही है 2, तो 2 प्लस का 3x माइनस का 3x ये तो हो गया 0, प्लस का 5x माइनस का 5x ये भी हो गया 0, और माइनस का 2 प्लस का 6, तो आंसर आ गया 4। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, इसके दो पार्ट और हैं, तीसरा पार्ट आप अपने आप करिए और चौथा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा अपने आप करिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो सिर्फ कमेंट में जाइए, लिख दीजिए सर तीसरा क्वेश्चन, किसका तीसरा क्वेश्चन, दसवें का तीसरा क्वेश्चन नहीं लगा, लगा के दिखाइए, बस मैं प्रकट हो जाऊंगा आपके सामने। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है चौथे क्वेश्चन में। एक बहुपद है PU 3u² माइनस का 3u प्लस 6, दूसरा बहुपद है QU माइनस का u² प्लस का 4u प्लस का 3, तीसरा बहुपद है RU, नीचे लिख देते हैं u² प्लस 4। ये तीन बहुपद हैं और तीनों को क्या करना है, योग करना है। और पिछले क्वेश्चनों में एक मुझसे गलती हो गई, मैंने घात नहीं बताई, तो घात तो आप लोग सीख चुके हैं ना, घात अपने आप लिख लीजिएगा। तो अब हमको क्या चाहिए, PU प्लस QU प्लस RU, पहला काम तीनों को ब्रैकेट में बंद करेंगे और प्लस लगा के लिख देंगे 3u² माइनस 3u प्लस 6 प्लस माइनस u² प्लस 4u प्लस 3 प्लस माइनस 2u² प्लस 4, कट तो नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है,
ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3u² - 3u + 6 - u² + 4u + 3 - 2u² + 4। ठीक है, सबसे पहले u स्क्वायर पर चलेंगे, तीन ये और तीन में से एक गया, 2u² और 2u² बचा है और 2u² में से 2u² चले गए, 0 गए। फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से प्लस का 3u ये रहा और इस 3u में एक u घट जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, प्लस के 2 में से माइनस के 2 चले गए तो हो गया 0, यानी ये तो कट गए। अब आते हैं u पर, माइनस का 3u प्लस का 4u, तो माइनस का 3u प्लस का 4u केवल बचेगा u और इसका कोई साथी नहीं है, इसलिए यहां पर आ जाएगा u। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, 6 6 3 9 और 9 4 13, तो u प्लस 13 और आंसर आ गया मेरा। और अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11वां क्वेश्चन है नेक्स्ट। 11वें क्वेश्चन में क्या हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। फिर से घात पूछ रहा है, आप अपने आप कर लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिए। 12वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित बहुपदों में कौन से बहुपद रैखिक, कौन से द्विघात और कौन से त्रिघात है, तो एक छोटी सी बात बताएंगे, रैखिक इसको सीख लीजिए, रैखिक द्विघात त्रिघात, ये तीन पद आपके सामने लिखे हुए हैं। रैखिक मतलब एक, केवल चर हो और अधिकतम घात सिर्फ एक हो, एक से ज्यादा ना हो, अधिकतम घात सिर्फ एक हो, आपका वो रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद बन जाएगा, और अगर अधिकतम घात दो है तो वो द्विघात बन जाएगा, अधिकतम घात तीन है तो त्रिघात बन जाएगा, अधिकतम घात चार है तो अपने मन में बोल लीजिए। अब आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन, 12वें का पहला, x² + x, मालूम है आपको रैखिक है कि द्विघात, यह है द्विघात क्योंकि अधिकतम घात दो है। दूसरा क्वेश्चन, x - x³ रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात, अधिकतम घात तीन है इसलिए त्रिघात, अरे अब मैंने बता रहा आगे अपने आप, तेरे हवाले बदल जाते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात बताइए। घात मैंने बताऊंगा, घात अपने आप बताइएगा, मैं सिर्फ जोड़ना घटाना सिखाऊंगा, तो माइनस करना सिखा रहे हैं। 13वें का पहला पार्ट, है y³ - 3y² + y + 2, और दूसरा बहुपद है, चूक गया यहां पर py लिखा हुआ है, और दूसरा है qy बहुपद है y³ + 2y + 1, और घटाना है, तो बीच में पहले काम क्या काम है, दोनों बहुपदों को ब्रैकेट में करेंगे और बीच में लगा देंगे माइनस, तो py - qy, तो py में से qy अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y³ - 3y² + y + 2 माइनस y³ + 2y + 1, ब्रैकेट को खोल देंगे, y³ - 3y² + y + 2, ये प्लस का है तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का y³ - 2y - 1। ठीक है ना, जब भी माइनस बाहर लगा होगा ब्रैकेट के तो सारे चिन्ह बदल देगा। और आगे देखते हैं, तो आप देखते हैं सबसे बड़ी घात है y³, यहां भी y³ है, ये कर गए 0 हो गए,
थ्री वाई स्क्वायर है और इसका कोई साथी नहीं है, तो माइनस का थ्री वाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। फिर है केवल प्लस का वाई, माइनस का टू वाई, तो केवल बचेगा माइनस का वाई, और प्लस का टू माइनस का वन तो बचेगा प्लस का वन। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, घटाना सीख गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन काफी जटिल है, अभी आपको नहीं करना है, अभी नहीं करना है, कर सकते हो तो कर लेना, बट बहुत ज्यादा इसमें लगना नहीं है, टाइम नहीं खराब करना है, इसको रोक दीजिए बिल्कुल लास्ट में, मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल लास्ट में। और क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा पार्ट है, आप अपने आप करिए। तेरहवे का जो पहला है बता दिया है, दूसरा थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, लास्ट में करना है जब सारी प्रैक्टिस हो जाए तब, और फिर करना है तीसरा क्वेश्चन, और वो भी आपको अपने आप करना है। मैंने बता रहा दो बहुपद है, उनको आपस में घटाना है, और घात जरूर बता देना, मैं नहीं बता रहा आप बता देना।